हापुड़ जनपद के थाना दौलाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान दिलम्बिक अंदाज में लूट करने वाले 3 छात्र बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने करीब 1,00,000 की नकदी, 600 ग्राम सफेद धातु की चांदी, लूटा हुआ मोबाइल, एक बाइक और साथ ही लूट की घटना में उपयोग किया हुआ तमंचा, कारतूस, चाकू बरामद किया है। वहीं दरअसल आपको बता दें कि पकड़े गए बदमाशों ने 6 नवंबर को एक लूट की वारदात को अंजाम दिया था और लूट करने के बाद बदमाश बड़े आराम से फरार हो गए थे, जिनकी पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी और भागे हुए बदमाश पुलिस के लिए सिर दर्द बने हुए थे और पुलिस ने अभी अपने मुखबिर पर चप्पे पर तैनात कर दिए थे। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार कर रहे तीनों बदमाशों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिनसे जब पूछताछ की गई तो तीनों बदमाशों के आपस से लूटा हुआ सामान भी बरामद हो गया। वहीं पकड़े गए बदमाशों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज होना भी बताया जा रहा है। ग्रोह का खुलासा किया गया है, क्या मामला है इनसे, क्या बरामद किया? 6 तारीख को रात्रि में एक शहजान नाम का ज्वेलर है जिनके साथ में लूटी घटना हुई थी और उस घटना के उपरांत वहाँ के जो थाना प्रभारी विशाल श्रीवास्तव हैं और चौकी प्रभारी जो UPSRDC हैं नवीन गौतम जी और इनकी टीम ने इसमें अथक प्रयास करके इस घटना का अनावरण किया है। और इस घटना में जो लूटा गया सामान था और जो लूट में प्रयोग की मोटरसाइकिल थी, सबकी 100% बरामदगी की गई है। इनके पास जो नाजायज असलाह था उसकी बरामदगी की गई है। घटना में जो मोबाइल लूटा गया था वो भी बरामद कर लिया गया है, ज्वेलरी भी बरामद की गई है, कैश भी बरामद किया गया है। और ये जो इसमें 3 अभियुक्त थे, मुस्तकीम, जावेद, गुलाम मोहम्मद उर्फ काले, तीनों को गिरफ्तार किया गया है। जावेद के विरुद्ध 14-15 मुकदमे हैं और मुस्तकीम के विरुद्ध भी करीब मुकदमे 9-10 हैं और 4-5 मुकदमे काले के विरुद्ध में। इस प्रकार ये एक तरह से बहुत बड़े आपराधिक गिरोह का पर्दाफाश किया है और ये सारे लोग पेशेवर अपराधी हैं। इनके विरुद्ध हम लोग अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई करेंगे। इस घटना में 100% माल की बरामदगी हुई, निश्चित रूप से ये जो पुलिस का यह कार्य सराहनीय है, इसके लिए हम लोग इनको पुरस्कार दिए जाने की भी संस्तुति करेंगे। और जो अपराधियों की मोटर संप्रदाई है, ये मोटरसाइकिल वगैरह को चेज करके रोक लेते थे तमंचा दिखा के, फिर जो भी उनके पास बैग या सामान या कैश होता था लूट लेते थे। आमतौर पर हाईवे पर ये घटना करते थे? हाँ, इनके द्वारा पूर्व में भी घटनाएं की गई हैं, हाईवे पर की गई हैं तथा ये घरों में चोरी और लूट की घटनाएं भी इनके द्वारा कारित की गई हैं।